तुम निकलो यहां से। भैया मैं अपनी भाभी से वादा करके आया हूँ, आप मेरे वचन की लाज रखना। उन बच्चों ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मुझे उन जालिमों की गिरफ्त से आजाद कराया सर। गुनाह करने वाला सिर्फ गुनहगार होता है। तुमने हमारे सारे ख्वाब जला डाले रुखसार। यही कहीं होने चाहिए। चलो सनी, लगता है इन लोगों को पता चल गया। हिंदुस्तान की सरहद यहाँ से थोड़ी दूर है भाईजान, मैं अबू के साथ यहाँ पर कई बार आई हूँ। तुम रुखसार को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को ठिकाने लगाता हूँ। नहीं भैया, हम दोनों ही ने ठिकाने लगाएंगे। ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है सनी, तेरा शेर भाई अब आजाद है। ये तो चंद गीदड़ है, मैं पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ूंगा। तुम निकलो यहाँ से। भैया मैं अपनी भाभी से वादा करके आया हूँ, आप मेरे वचन की लाज रखना। तू फिक्र मत कर, जाओ। कुछ लोग इधर जाओ। जल्दी करो। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा राम, मैं तेरी मौत बनकर आया हूं राम। अगर मैं चाहता तो तुझे जान से मार डालता, लेकिन तेरे मुंह से दो बार राम का नाम निकला है। तू मरता तो जन्नत में चला जाता, और उस पाक परवरदिगार ने तो तेरे लिए जहन्नुम में भी जगह नहीं बनाई है। तेरी सबसे बड़ी सजा यही है कि अब जब जब तू लंगड़ाएगा तुझे राम याद आएगा। जा लौट और मुझे हिंदुस्तान की सरहद का रास्ता बता। गुड नाइट। यस, अभी अभी खबर मिली है, एक आदमी सफेद झंडा लिए एलओसी की तरफ आ रहा है। बॉयज गेट अलर्ट। सर मेजर राम, मेजर राम सर, डोंट शूट सर। बॉयज एट ईज, गो हेल्प हिम। सर कम मेजर राम। तुम्हें सही सलामत देकर हमें बहुत खुशी हो रही है मेजर राम। थैंक यू सर। सर क्या मेरा छोटा भाई और रुखसार यहां पहुंच चुके हैं? नहीं, यहां तो कोई नहीं आया। लेकिन सर उन्हें तो मुझसे पहले यहां पहुंच जाना चाहिए था। सर प्लीज आसपास के पॉइंट्स पे पता कीजिए सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग किसी और जगह पहुंच गए। सीमा पर होने वाली हर हरकत पर नजर है हमारी, यहां से 50 मील दूर तक किसी के आने की खबर नहीं है हमारे पास। ओह माय गॉड, तब तो मुझे वापस जाना होगा सर। रुक जाओ मेजर राम, तुम वापस नहीं जा सकते। नहीं सर,
मुझे जाना ही होगा सर। उन बच्चों ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मुझे उन जालिमों की गिरफ्त से आजाद कराया है सर। अगर मेरे जीते जी उन्हें कुछ हो गया तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं होगा। प्लीज सर। लो, तुम वापस नहीं जाओगे। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हें आर्मी के कानून के मुताबिक डीब्रीफिंग के लिए जाना होगा, क्योंकि आर्मी को जब तक ये यकीन ना हो जाए कि तुमने दुश्मन को कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं पहुंचाई या कोई रास्ता नहीं बताया। मैं अपनी जान दे सकता हूं सर, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरा भरोसा कीजिए सर, मुझे जाने दीजिए। नो, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो सिर्फ डीब्रीफिंग के लिए। नहीं सर, आज मुझे मत रोकिए सर, आज मुझे जाने दीजिए। उन मासूम बच्चों के ऊपर दया कीजिए सर। बॉयज गेट हिम। मेजर राम, मेजर राम रुक जाइए सर, मुझे जाने दीजिए सर। मेजर राम, मेजर राम सर, मुझे जाने दीजिए सर। रुक जाइए मेजर राम सर, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। सर एक बार मुझे उन दोनों को यहाँ पे ले आने दीजिए, इसके बाद आप मुझे फांसी लगा दीजिए, मुझे मंजूर है। मेजर राम को कैंप में ले आइए। लड़की, अपने नेक बाप के माथे पर बदनामी का दाग, मुल्क और कौम के साथ गद्दारी, ऐसी घिनौनी और सलील हरकत कैसे की तूने? कैसे भूल गई कि हम तुम जैसे गद्दारों को मौत से कम सजा नहीं देते? हम प्यार करने वाले मौत से नहीं डरते, और दिल मोहब्बत करने से पहले किसी की इजाजत नहीं लेता, क्योंकि मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ने पैदा किया है, किसी इंसान ने नहीं। मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता, ना कोई सरहद होती है, ना कोई वतन। हम जानते हैं हम आपके नजरों में गुनहगार हैं, लेकिन यही गुनाह हमारे लिए इबादत है। मोहब्बत ने तुझे अंधा कर दिया है लड़की। दुश्मन मुल्क से आए हुए इस लड़के ने अपने मकसद के लिए धोखे से तुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। धोखे और फरेब से तो मेरे भाई को किडनैप किया था आपके लोगों ने। अगर ये मर्द होते तो मैदान जंग से लेकर आते मेरे भाई को। अरे एक बार उसे आजाद करके तो देखा होता, सारी मर्दान की पतलून के रास्ते बह निकलती। खामोश बदतमीज, अदब से बात कर। अदब से बात? अदब से बात अदब के लायक लोगों से की जाती है, तुम जैसे लोगों से नहीं। खामोश उस्ताद, जानता नहीं किसके हजूर में खड़ा है। मेरे एक ही इशारे पर तू हजारों मौत मर सकता है। मेरा मकसद मेरे शेर भाई राम को आजाद करवाना था, और मेरा मकसद पूरा हो गया। अब हजारों क्या, लाखों मौत मरना मेरे लिए फख्र की बात है। मरेगा तू, मरेगा, और तेरे साथ साथ तेरी महबूबा भी मरेगी। तभी आने वाली नस्लों को यह नसीहत होगी कि मुल्क और काम के साथ गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। आने वाली नस्लें तंग दिलो दिमाग वाली नहीं, बल्कि रोशन दिमाग, नई सोच, नया जज्बा और मोहब्बत का पैगाम लेकर आएंगी। और फिर उनके सामने हैवानियत, नफरत घुटने टेक टेक कर दम तोड़ेगी, और फिर अल्लाह की इस खूबसूरत दुनिया में मोहब्बत करने वालों को खुली हवा में चैन की सांस देना नसीब होगा। बकवास है। अमन, चैन, खुली हवा, मोहब्बत, जज्बा, ये सब बकवास है। हकीकत है तो सिर्फ हमारा फैसला, और हमारा फैसला है तुम दोनों गद्दारों की मौत। सुभान अल्लाह, जिसे आप मौत समझते हैं वो मौत नहीं, मौत पर मोहब्बत की फतेह है। माना कि ये दोनों मौत की सजा के हकदार हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस साजिश के पीछे इन दोनों का हाथ था? नहीं, जिस शातिर दिमाग ने यह चाल चली है वो दिमाग इस लौंडे या लौंडिया का नहीं, दरअसल इस पूरी साजिश का सरपरस्त ये शख्स है जनाब, ये शख्स। तबरेज़ बेग,
अपनी जुबान को लगाम दे। जितने साल तेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा साल हमने वतन परस्ती में गुजार दिए हैं। अगर फिर से तुमने हमारी वतन परस्ती पर इल्जाम लगाने की जुर्रत की तो यही तेरी लाश गिरा दूंगा। ब्रिगेडियर खान, आपको अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा, अभी उन्हें बोलने दीजिए। याद होगा आपको जनाब, उस हिंदुस्तानी मेजर की मौजूदगी के मुतल्लिक खत पर इन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। वो हिंदुस्तानी मेजर जिसकी कैद हमारे मकसद के लिए हमारी फतेह थी, उस मेजर राम को चोरी छिपे रिहा करवाकर ब्रिगेडियर खान ने हमारी फतेह को शिकस्त में तब्दील कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बेटी के आशिक का बड़ा भाई है और उनका दिल पसीज गया। आखिर दिल तो एक बाप का ही है ना जनाब, मगर दिमाग शैतान का पाया है। तबरेज बेग, कितनी चालाकी से इन्होंने अपनी बेटी समेत उन दोनों भाइयों को हिंदुस्तानी सरहद तक का रास्ता दिखाया। जनाब वो तो ठीक वक्त पर हमें साजिश का पता चल गया और ये दोनों पकड़े गए, मगर अफसोस मेजर राम हमारे हाथ से निकल गया इनकी वजह से। अगर ये सच है ब्रिगेडियर, तो ये कहर आपकी जिंदगी के तमाम मंसूबों पर पड़ेगा। कैसा कहर, कैसे मंसूबे जनाब? इसने कहा और आपने मान लिया? हमारे सीने में एक बाप का दिल जरूर है, लेकिन हमारी रगों में वतन परस्ती का खून दौड़ता है। हम जानते हैं हमारी बेटी ने एक शर्मनाक गुनाह किया है, आपने तो उसे सिर्फ मौत की सजा दी है। अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा होती तो हम उसे देते। आई एम प्राउड ऑफ यू अबू। जब बेटी नहीं थी हमारा वतन था, जब बेटी नहीं रहेगी तब भी हमारा वतन रहेगा। कोई भी रिश्ता, कोई भी जज्बा हमें हमारी वतन परस्ती और फर्ज से गुमराह नहीं कर सकता। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो ब्रिगेडियर, कोई भी जज्बा हमें भी अपने फर्ज और रसूलों के रास्ते से नहीं भटका सकता। तुम्हें याद होगा अकील खान हमारा छोटा भाई, हमारा खून, बहुत अजीज था हमें वो। जुल्म इस मासूम लड़की के साथ हुआ है हुजूर, इसकी इज्जत लूटी गई है और इज्जत लूटने वाला गुनहगार आपका छोटा भाई अकील है। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये सच है तो कसम अल्लाह की हमारा इंसाफ आप हमेशा याद रखेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तुम्हारी पेशानी पर चमकती हुई पसीने की बूंदें हमें बता रही हैं कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन। मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मैं आपका छोटा भाई हूँ भाईजान। आप तो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए। मत मांगो, जिंदगी की भीख मत मांगो, क्योंकि तुम्हें ये भीख नहीं मिल सकती। गुनाह करने वाला सिर्फ गुनहगार होता है, वो न भाई होता है, न बहन, न बेटी, न बेटा। हमने इसी जगह तुम्हारे सामने अपने हाथों से उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी, क्योंकि उसने भी एक शर्मनाक गुनाह किया था। हो सकता है तबरेज बेग की दलील आपको झूठी लगती होगी, हमें भी झूठी लगती है, मगर एक शक, एक खतरनाक सच की सूरत में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। और जो शक इसने हमारे दिल और दिमाग में डाल दिया है, वो शक हटता क्यों नहीं है, मिटता क्यों नहीं है? आपके सर पर लगे इल्जाम को मिटाने के लिए आपको किसी इम्तिहान से गुजरना होगा ब्रिगेडियर, किसी इम्तिहान से गुजरना होगा। हमें हर इम्तिहान मंजूर है जनाब, लेकिन कोई भी इल्जाम नहीं। तो फिर हमें भी मंजूर है ब्रिगेडियर साहब, फैसला आपने खुद ही कर लिया। कल फजर की नमाज के बाद ब्रिगेडियर सरफराज खान अपनी वतन परस्ती का सबूत देंगे, अपनी बेटी और उसके आशिक को अपने हाथों से गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला देंगे।
यही हमारा फैसला है और इसी फैसले की तामील होगी। सर, जब पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने फर्ज और हिंदुस्तान की शान के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। जालिमों ने उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। आप भी हमारी मौत पर फख्र से फर्ज का सहरा बांध दीजिए सर। अबू, इन जालिमों के हाथों मरने से तो बेहतर है आप हमें इज्जत की मौत दें। आदाब। आदाब अबू। अब तो हम तुम्हें लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकते। तुमने हमारे सारे ख्वाब जला डाले रुखसार। अब हमारे आंगन में ना कोई शहनाई बजेगी और ना ही कोई दुल्हन सजेगी। बेटा, तुम्हारी अम्मी जान से हमने वादा किया था कि हम हमेशा तुम्हें मां की नजर से देखेंगे, लेकिन आज तुम्हें मां की नजर से देखकर हमारा कलेजा फटा जा रहा है। अल्लाह की यही मर्जी है अब्बू। अब्बू, जब पहली बार हमने राम भाईजान को सलाम किया तो उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पर रखकर हमें दुआ दी, तो ऐसा लगा जैसे वो हाथ उनका नहीं आपका था। मुसलमान होकर भी सलमान अपने हिंदू भाई को बचाने पाकिस्तान चला आया। अब्बू, ये लोग हिंदू और मुसलमान में नफरत का एहसास क्यों पैदा करते हैं? क्या ये सलमान की तरह नहीं सोच सकते? अगर हिंदू मुसीबत में हो तो मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर दे, अगर मुसलमान मुसीबत में हो तो हिंदू अपनी जान कुर्बान कर दे। कल हम इस दुनिया में नहीं होंगे अबू, लेकिन हम खुश नसीब हैं कि ये ज़िंदगी हमें आपने दी है। ये ज़िंदगी जो आपकी अमानत है, कल हम आपको लौटा देंगे। हमारी आपसे आखिरी इल्तिजा है अबू, राम भाईजान को हमारा ये पैगाम ज़रूर दीजिएगा। उनसे कहिएगा हर सरहद नफ़रत की बुनियाद पर रखी गई है, सरहदों ने सिर्फ खून मांगा है, सरहदों पर आज तक किसी ने भी मोहब्बत के फूल नहीं खिलाए। अबू, आप और वो मिलकर उन सरहदों पर मोहब्बत के गुलशन बसा दें। रुखसार, अबू। हाँ? हमने आपको हमारा खून माफ किया। आप इतनी रात गए तक जाग रहे हैं रमजान मियां? आज तो रात भी जाग रही है हुजूर। हमारी 32 सलाखों के पीछे है, कैसे सो जाएं हम? बेशक उसकी रगों में आपका खून बह रहा है, लेकिन मैंने भी इन कंधों पर उसे खिलाया है। मुझे याद है हुजूर, जब वो तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चली जाती थी कितने दिन तक आप खाना पीना भूल जाते थे, और कल जब ये इस दुनिया से चली जाएगी तो कैसे जिएंगे आप और कैसे जिएंगे हम हुजूर? आप तो
बहुत बड़े अफसर हैं हुजूर, बहुत बड़े अफसर, बचा लीजिए उसे, बचा लीजिए हुजूर, उसे बचा लीजिए। रमजान मियां, वो उन लोगों की गुनहगार है जो कभी किसी को मुआफ नहीं करते और मौत से कम सजा नहीं देते। रुखसार बेटी ने आपके लिए खत भेजा है। रुखसार बेटी ने? रमजान चाचा, हमारी आपसे एक इल्तिजा है। हमारी अलमारी में हमारी अम्मी की शादी का जोड़ा है, उसे हम तक पहुंचवा दीजिए। अब्बू का हमेशा ख्याल रखिएगा रमजान चाचा, हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज। आपकी बेटी रुखसार। जाने अनजाने अगर कभी हम आपके फर्ज और वतन के बीच आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। That's like my father. I'm proud of you, अब्बू। लड़की, जिंदगी दे सिवाय तेरी कोई और तमन्ना है ते बोल। मरने से पहले मैं निकाह करना चाहती हूं। ओए मुंडिया, तेरी भी कोई जिंदगी दे सिवाय तमन्ना है ते तुम ही बोल। मुझे गोली मारने से पहले और मेरी आखिरी सांस निकलने तक मेरे देश हिंदुस्तान का नेशनल एंथम बजना चाहिए। अल्लाह हाफिज सलमान। अल्लाह हाफिज रुखसार। मेरे अल्लाह, मुझे माफ करना। करना रुखसार। ब्रिगेडियर साहब, जनाब इस वक्त कैसे याद किया? तबरेज मियां, हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आज। शायद अपनी बेटी
या फिर उसके आशिक। ना ना तबरेज मियां, आशिक नहीं, शौहर कहिए। निकाह किया था ना हमारी बेटी ने उसके साथ, यही खड़ी थी ना, यही दुल्हन बनकर। लगता है कि अब भी खड़ी है, शायद अभी अब्बू कहकर पुकारेगी। अगर अफसोस, हम तो उसकी डोली भी नहीं उठा सके तबरेज मियां। डोली नहीं उठी तो क्या हुआ, पर उन दोनों का जनाजा तो आपने बड़े धूमधाम से उठाया ना जनाब। बहुत कड़वा सच बोलते हैं आप, जहरीला। हाँ जनाब, जनाजा तो उठाया हमने, एक मजबूर बाप और करी क्या सकता है। अल्लाह के हुजूर में तड़प रहे हैं वो दोनों, उनकी रूहों को सुकून नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो हम तड़प रहे हैं। उनकी रूहों को सुकून तभी मिल सकता है जब शैतान को इस दुनिया से रिहाई दिला दी जाए। शैतान, शैतान! ओहो निहारिका जी, आज सनी होता तो कितना खुश होता। Come in. मेजर राम, निहारिका, आप दोनों को नया मेहमान बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। मेजर राम, डिफेंस मिनिस्ट्री से यह खत आया है, पाकिस्तान के ब्रिगेडियर सरफराज खान एलओसी पर तुमसे मिलना चाहते हैं और सनी और रुखसार का कोई पैगाम भी देना चाहते हैं। सर, उन दो बच्चों की याद में ये दो फूल लेकर आया हूं, उनका पैगाम लाया हूं। मोहब्बत, नफरत थी उन्हें सरहदों से, जिनकी बुनियाद सिर्फ खून और नफरत पर रखी गई है। उनकी तमन्ना थी कि सरहदों पर फूल खिला दिए जाएं, नफरतों को मिटाकर गुलशन बसा दिए जाएं, ताकि लोगों के दिल मोहब्बत से भर जाए। क्या स्नोमैन्स लैंड का दायरा बढ़ाकर हम इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं सर, जिसमें सारी दुनिया समा जाए, जिससे दुनिया की सारी सरहदें, सारी नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आमीन। तो आइए हम मिलकर उनके ख्वाबों के गुलशन की बुनियाद रखें।